You Diwali is a reminder that each of us has the power, has the power to dispel darkness and bring light to the world, whether here in America or for the families back in India, marking 75 years. And Deepavali, which is a festive, some secret of the Deepavali, lines of deeps. फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान में फैली हुई उस बेयकीनी सूरत हाल की जिसकी असल वजह है सियासत और इसी सियासत के नतीजे में मुल्क शदीद माली माशी खारिजी बहरानों का शिकार है इसकी फार्मर प्रेसिडेंट ने कल दिवाली बहुत जोशो जज्बे से अपने घर रहते हुए मनाई है इसके अलावा अमेरिका के सिटीजन ने भी दिवाली बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की है गुरबत बेरोजगारी महंगाई ने वाम का जीना महाल किया है। मुस्लिम कंट्रीज की जानब आए तो यू ने भी बुर्ज खलीफा पर कल बहुत अच्छे तरीके से टहलका मचाया है सेंटर मॉल में रंगोली बनाई गई है इंडिया के सॉन्ग्स लगाए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको सेलिब्रेट भी किया गया है इंडियंस नहीं बल्कि दूसरे कल्चर के लोग तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन है सबसे पहले तो आपको दिवाली का एक दिन गुजर चुका है दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं उम्मीद करते हैं आप दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने घर परिवार के साथ खुशियां मना रहे होंगे तो दिवाली को लेकर ऑब्वियसली वाइट हाउस में दीप जलाया जाता है इससे पहले ट्रम्प भी जलाते थे पाकिस्तान का अभी एक क्लेम आया है पता है आपको मैं दिवाली को लेकर बता रहा हूँ ये चीज़ ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि भैया वो पाकिस्तानी है वीडियो के लास्ट में बताएंगे कैसे वो क्लेम कर रहे हैं पहले ये देखते हैं कि, कि किस तरीके से दिवाली को लेकर रिएक्शन दिया जा रहा है फिर उसके बारे में बात करते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मनाई है इसके अलावा अमेरिका के सिटीजन ने भी दिवाली बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की है अगर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की जानेब आए तो यू ने भी बुर्ज खलीफा पर कल बहुत अच्छे तरीके से तहलका मचाया है सेंटर मॉल में रंगोली बनाई गई है इंडिया के सॉन्ग्स लगाए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको सेलिब्रेट भी किया गया है इसके अलावा अगर हम बात करें कल अगर फॉरेन कंट्रीज़ की बात की जाए तो फॉरेन कंट्रीज़ में ऑफिशियल हॉलीडे दी गई थी इंडिया को रिस्पेक्ट देने के लिए इंडिया का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए उसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऐसे प्रवलेजेस पाकिस्तान को हासिल नहीं होती है क्या वजह है इस कल बहुत अच्छे तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की है आ, उसके अलावा अगर हम अमेरिकन सिटीजनस की बात करें तो उन्होंने भी इवन दिवाली को सेलिब्रेट किया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि इंडिया के कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एज़ कंपेयर टू पाकिस्तान अच्छा इसमें ऐसे है कि देखिए इंडियन जो मार्केट है ना वो दुनिया की बड़ी मार्किटों में शुमार होती है हमारे जितने अरब कंट्रीज़ हैं या यूरोप कंट्रीज़ हैं या अमेरिका वगैरह दूसरे जितने भी हैं उनकी वहाँ पर इंडिया में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है वो उनकी बात टाल नहीं सकते रद्द नहीं कर सकते इतनी बड़ी मार्केट में इन्वेस्टमेंट को उन्होंने ले चलना है तो इसलिए जो दूसरा ये सेकेंड यह कि जो इंडियन कंट्री है ना उनकी फ़ॉरन पॉलिसीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके इंटरनल उस पर वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते जैसे कि हमारे इधर इतनी स्ट्रॉन्ग फ़ॉरन पॉलिसीज़ नहीं है तो लिहाजा उनको इंडिया पे ये उसको जाता है उसका क्रेडिट कि इंडियन गवर्नमेंट पे कि वो दूसरे ममालिक में उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करवाते हैं और वैसे भी इंडियन कम्युनिटी हर जगह पे मौजूद है बल्कि मैं तो मैसेज दूंगा अपने हुक्मरानों को कि वो भी दूसरे कंट्रीज में इसका बाकायदा त्यौहार मनाया करें वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट को कहा करें उसको अरेंज किया करें इवन कि अगर आपको फंड भी देना पड़े उसके लिए कोई पैसे भी लगाने पड़े तो ज़रूर किया करें जैसे गवर्नमेंट इंडिया हैप्पी दीपावली और बंदी छोड़ देवस मैं आपको पता है खासकर मेरा यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो है वो मेरे जो बिजनेस पार्टनर जो बिजनेस पार्टनर तो नहीं कहूँगा मेरे भाइयों से भी आगे हैं वो उनका नाम जसदीप है और मैं हमेशा उनके साथ इवेंट्स भी इंजॉय करता हूँ खासकर गुरुद्वारा साहब जाता हूँ लोकल मंदिर में मेरे दोस्त हैं वहां जाता हूं और आज दीपावली जो कि एक फेस्टिव जिसके संस्कृत का लफज है दीपावली लाइंस ऑफ जो दीप्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट लाइट मेरा मकसद है कि एक ऐसी चीज है जिस जिससे वो आप समझ लें उम्मीद की लाइट समझ लें अंधेरे के अंदर उजाला रोशनी तालीम की लाइट समझ लें वंडरफुल इवेंट बंदी छोड़ देवस के पीछे हिस्ट्री मौजूद है और आज बल्कि खास कर मैं अक्सर डिस्कस करता हूं कि भारत के अंदर दिवाली पे क्या मनाया जाता है मुझे नहीं पता था कि दिवाली से एक दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं मैंने ये नहीं मुझे पता था इस एक दिन पहले सर वो सर वो धनतेरस कहलाता है वो और मुझे पता था लक्ष्मी जो है उसकी उस दिन जो पूजा की जाती है उसके बारे में अंदाजा था लेकिन मुझे ये नहीं अंदाजा था कि दिवाली से एक दिन पहले जो है वो बर्त, नए बर्तन खरीदना भी एक पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है तो आपके देखने वालों को सबको मैं मेरे दिल की गहराइयों से आपको दिवाली मुबारक और सबके लिए बेहतरी हो अच्छी चीजें आए जिंदगी में मुस्तबिल के बारे में तो स्टार्टेड और उसमें आज असल में कई चीजें हैं कवर करने वाली मैं बल्कि मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा क्रिकेट टीम की विक्ट्री के बहुत अच्छी गेम थी और जो सबसे अच्छी बात उसमें आरजू ये थी कि तकरीबन नब्बे हजार लोग थे दोनों साइडों से पाकिस्तान और भारत के झंडे उठा रखे थे बड़ा अच्छा उन्होंने अच्छी हारमोनी के अंदर मैच देखा दोनों टीमों ने अच्छी गेम खेली और मैं समझता हूं कि जिस तरह स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहिए इसी तरह किया और मैं समझता हूँ ये दिवाली का तोहफा था हमारे भारतीय भाइयों को और मैं वेरी नाइस और तीसरा उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि ऋषि सोनक की वजह से उनके मैं दिवाली के तो लोगों को मैं कहता हूं, दोस्तों को खुद एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पंजाबी भाई है गुजरा वाला से रामदास थे उनके दादा पेटर्नल ग्रैंड 1935 में वो शिफ्ट हो गए बिफोर पार्टीशन ही अफ्रीका में और फिर वहां से

कि वो वर ब्रिटिश कॉलोनी और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा फखर वाली बात है कि वन ऑफ अस इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्तानिया और उसमें मैं ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनको ना सिर्फ भारतीय नजाद ब्रिटिश लोगों की सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तानी जो नजाद ब्रिटिश थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस टुडे मैं आई एम वेरी प्लीज्ड विद थोड़ा सा मैं आ, 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 थोड़ा सा मेरे सुबह एक खबर मुझे डाइजेस्ट करने में मुश्किल थी अरशद शरीफ साहब के बारे में जो कीनिया में हुआ सारा दिन मुझे आज उस पर तो दोस्तों ये एक चीज आ रही है कि ऋषि शनक पाकिस्तानी एक्चुअली में ये डिबेट ट्विटर पे एक अशोक स्वान है जो कि नाम से अशोक हिंदू लगते हैं इंडियन लगते हैं बट ये पूरे पाकिस्तान के धलने हैं ये हमेशा भारत के ख़िलाफ़ जहर उगलते विदेश में रहते हैं ऐसा ये इनका दावा है प्रोफेशन है ऐसा दावा पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी आते हैं और भारत के ख़िलाफ़ बहुत जहर उगलते हैं तो इन्होंने बोला है कि ये जो ऋषि सुनक है वो पाकिस्तानी है गुजरावाला में इसके जो दादा या परदादा का जन्म हुआ था फिर वहाँ से वो गए थे ईस्ट अमेरिक अफ्रीका उसके बाद फिर वहाँ से वो गए ब्रिटेन ऐसे कुछ इसने स्टोरी डाली हालांकि ऋषि सुनाक ने ऐसा कभी क्लेम नहीं किया वो हमेशा अपने आप को इंडियन ओरिजिन का बता रहे थे आपको बता दूं कि चलो ठीक है गुजरा वाला में अगर इनके ग्रैंड पेरेंट थे तो तब कोई पाकिस्तान नाम की कोई कंट्री थी मैं बता रहा हूँ ना ये अशोक समान आप जाएंगे ट्विटर पर सर्च करेंगे ये इसके पुराने ट्वीट देखेंगे आपके मुँह से केवल माँ दर बाली गाली निकलेगी और बहन की भी निकलेगी और सब गाली निकलेगी इतना बड़ा हरामी है ये तो अब जो भी है पाकिस्तान अगर उन्नीस के पहले था तो भैया फिर वो पाकिस्तान ही है तो फिर तो ऐसा चंद्रगुप्त मौ सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूँ मैं आचार्य चाणक्य और बप्पा रावल बप्पा रावल आप जानते होंगे जिनके नाम पर रावल पिंडी बसा हुआ है और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे यार मैं तो बप्पा रावल का नाम ले रहा हूँ बप्पा रावल मतलब आप समझाए कि बप्पा रावल बहुत बड़े हिंदू सम्राट थे हालांकि इनके बारे में इतना लिखा नहीं जाता भारत के इतिहास के पुस्तकों में महाराणा प्रताप के ही परिवार के थे पूर्वज थे तो वो और बहुत सारे हिंदू मतलब यार कितने सारे हिंदू होंगे यार मतलब आप समझ सकते हो वो सब पाकिस्तानी थे फिर मतलब पाकिस्तान उन पर अपना दावा ठोक सकता है एक नंबर की बेवकूफ़ी पागलपन होगा ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन के हैं और पाकिस्तान का भी बंदा जो उन्नीस से पहले पाकिस्तान में पैदा हुआ है अभी भी है वो भी इंडियन ओरिजिन ही कहलाएगा वो कोई पाकिस्तानी ओरिजिन अब पाकिस्तान नाम की कंट्री बना लिया आपने आप हो तो सीरियसली जो भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट की रेस है वो एक ही है तो आपको क्या कहना इस टॉपिक के बारे में प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें जय हिंद